नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनु भारतीय पर। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। इस नई वीडियो में आप देखेंगे टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी ट्रिक है कि टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन। हाँ दोस्तों, आप कहीं भी खड़े हो, पेपर में कैसा भी कोई भी सवाल आया हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, आपका मल्टीप्लिकेशन में बहुत सा टाइम वेस्ट होता है। तो आज की इस ट्रिक से आपका वो टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। आप कहीं पर भी बैठे हो, कहीं मेंटल मैथ्स की क्लास में बैठे हो या मेंटल मैथ क्विज में बैठे हो, आप केवल और केवल 2 से 3 सेकंड के अंदर में टू डिजिट की मल्टीप्लीकेशन चुटकी बजाकर कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को। तो यहाँ पर इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलूंगा अपनी उस ट्रिक पर। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है 73 × 77 54 × 56 33 × 37 42 × 48। इस ट्रिक में एक रहस्य भी है और उस रहस्य को मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। तो आइए देखते हैं कि ये ट्रिक कहती क्या है। तो मैं यहां पर 73 × 77 करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बस केवल सिंपल इस तरह से ये नंबर लिखकर इसको सॉल्व कर देता हूं। ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो नंबर लिखा है इसकी ट्रिक अब मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी डिजिट यहां लिखी हैं उनके लास्ट का जो डिजिट है, जैसे यहां पर 4 है और यहां पर 6 है, तो 4 × 6 कितना आया, 24। आपने 24 को यहां लिख देना है। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, आपका ये जो नंबर है दोनों तरफ देखिएगा नंबर सेम है, 5 है, ठीक है। तो 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 6, 5 × 6 इट इज 13 और ये रहा आपका आंसर। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप टू डिजिट की मल्टीप्लिकेशन को 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। आप यहां पर देखिए 33 × 37, तो आपने क्या किया, 3 × 7 = 21, 3 × 3 कितना आता है, 9 हो गया। 42 और 48 का करना है तो 8 × 16, यहां पर थोड़ी सी है 3 × यहां पर क्योंकि 3 है तो इसके लास्ट में क्या, इसके नेक्स्ट नंबर है 4, तो 3 × 4 1221। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे 2 × 16, 4 की नेक्स्ट नंबर क्या है 5, तो 4 × 5 = 20। देखा आपने कितनी आसानी से आप इन दो टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको इससे जुड़ा एक रहस्य बताऊंगा। ये ट्रिक कहां पर कामयाब होगी ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये ट्रिक कामयाब होगी तब जब आप जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका ये जो 10th डिजिट का नंबर है ये दोनों सेम होने चाहिए, और जो इसके 1st डिजिट के नंबर है इन दोनों को मिलाकर टोटल आना चाहिए 10। तो देखा आपने केवल ये इसकी कंडीशन यही है कि आपका ये जो 10th के डिजिट के नंबर हैं ये आपके सेम होने चाहिए, और आपकी जो 1st डिजिट के नंबर हैं ये आपके इनका टोटल 10 होना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक, इस ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व करके देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस, और उसके बाद में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे लगी आपको ये मेरी ट्रिक। और उसके बाद में चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें।